नमस्कार, लाइव इंडिया में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सनी कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर बात करें तो राजद ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो वहीं बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और जो वाम दल थे उन्हें कुल मिलाकर 29 सीट दिया गया था, जिसमें से वाम दलों ने 16 सीटों पर जीत हासिल की। और अभी बात करेंगे कुल मिलाकर राजद की। राजद ने 144 सीटों पर चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन जीत उन्हें सिर्फ 75 सीटों पर मिली। और 75 सीट पर जीतने के साथ ही राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी और दूसरे नंबर पर रही बीजेपी, जिन्हें 74 सीट पर जीत हासिल हुई। लेकिन अभी हम बात करेंगे राजद की, और राजद प्रदेश कार्यालय आज हम पहुँचे और वहाँ पर आज बैठक चल रही है। बता दें कि जो तमाम जो उम्मीदवार थे बिहार विधानसभा चुनाव में 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 75 सीटों पर जीत मिली और बाकी के सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन तमाम जो हारे हुए कैंडिडेट थे, जो उम्मीदवार थे, उनके साथ आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पार्टी के और भी बड़े नेता जो हैं उनसे बातचीत करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कारण रहा जिस वजह से हार का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं भाई वीरेंद्र से क्या कुछ करना है उनका, कि समीक्षा बैठक लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, आखिर समीक्षा बैठक क्यों की जा रही है और किन किन बातों पर विचार विमर्श दिया जाएगा और किन बातों पर ध्यान दिया जाएगा इस समीक्षा बैठक के दौरान। कोई आरोप नहीं लग रहे हैं, हर पार्टी अपने विधायकों से चंदा लेती है और 5 रुपया का मेमोरी चलता है, जो सदस्यता अभियान चलता है, तो 5 रुपया का मेमोरी लगता है। और हमारी पार्टी सरकार में नहीं है और हमारी पार्टी अडानी अंबानी की कृपा से नहीं चल रही है। हमारी पार्टी विधायकों से, कार्यकर्ताओं से, जनता के चंदे से ही पार्टी चलती है। इसलिए विधायक लोग अपने चंदा अगर लगाया गया है तो वाजिब है और हर विधायक कहीं कोई विरोध नहीं है और अडानी अंबानी हमारे पास नहीं है कि हमारा पैसा इधर उधर से आएगा। इसलिए जिन लोग को अडानी अंबानी से पैसा मिलता है वो लोग भी चंदा लेते हैं विधायकों से, हमारे पास तो अडानी अंबानी है नहीं। लेकिन आप पर आरोप लग रहे हैं कि कोई आरोप नहीं लग रहा है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं या आपके आपके सत्ता पक्ष के लोग, जदयू बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं। उनके पास अडानी अंबानी का पैसा आ रहा है ना, हमारी पार्टी तो कार्यकर्ताओं के चंदा से चलती है पार्टी, विधायकों के चंदा से चलती है पार्टी। इसलिए हर विधायक अपने मन से पैसा दे रहा है। अपराध से वसूली नहीं हो पा रही है इसलिए विधायकों से वसूली कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो लोग। अपराध के जरिए वसूली होती थी। सवाल है कि जो पार्टी अपराध बिहार में फैला रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, जो रोग हत्या रोज बलात्कार हो रहा है, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, वो अगर इस तरह की भाषा बोलता है तो इसका मतलब जनता के मुंह पर तमाचा मार रहा है और उनसे सरकार संभल नहीं रही है, तो झूठा आरोप हम लोग पर लगा रहे हैं। ये झूठा आरोप लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकने का काम करें कि ये लोग सत्ताभोगी हैं और कुर्सी कुमार जी हैं और ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तो जनमत मिला है तेजस्वी प्रसाद यादव को, यहाँ दूसरे को जिसको जनमत नहीं मिला है, इनको जनादेश नहीं मिला है, वो सरकार में शामिल है। वो लोग बोलने के पहले अपने चेहरा ऐना में देखकर और बयान देकर अपने चेहरा को ऐना में देखिए, पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो। तो आपने सुना भाई वीरेंद्र का साफ तौर पे कहना है कि जैसे हर पार्टी में समीक्षा बैठक की जाती है चुनाव के बाद या फिर तमाम मसलों पर आपस में बातचीत करने के लिए, तमाम जो नेता है उनकी राय लेने के लिए, उसी वजह से समीक्षा बैठक आज आरजेडी में की जा रही है। और जो तमाम 144 सीटों पर राजद ने चुनाव लड़ा था और 75 सीटों पर जीत हासिल हुआ और जो सभी हारे हुए कैंडिडेट थे उनसे आज समीक्षा बैठक में सवाल किया जाएगा और नेता प्रतिपक्ष जानेंगे कि आखिर किस किन कारणों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा या फिर पार्टी क्यों कमजोर दिखी बिहार विधानसभा चुनाव में। हर एक सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ही है, लेकिन भाई वीरेंद्र का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सभी पार्टियों में बैठक होता है, समीक्षा बैठक होता है, उसी तरह से हम भी बैठक कर रहे हैं और हार का जिन कारणों से हमें हार मिले उसका पता करने के लिए सभी के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि इस बैठक में जो तमाम विधायक हैं जो कि कैंडिडेट थे हारे हुए बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें और जो तमाम पार्टी के बड़े नेता हैं उन्हें बुलाया गया, आमंत्रित किया गया इस बैठक में और जो कार्यकर्ता है उन्हें अंदर घुसने की भी अनुमति नहीं, वो बाहर ही खड़े हैं। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहे लाइव इंडिया को। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।